हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, यानी जाति सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आप कैसे बना सकते हैं। काफ़ी उपयोगी होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दिया जाता है, एंड एडमिशंस के लिए भी वहाँ पे आपको देना पड़ता है। स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो दोस्तों कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये दोस्तों जाति सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, edistrict.up.gov.in। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा सिटीजन लॉग इन ई साथी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक अपनी आईडी बनानी होती है। यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड सुरक्षा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका यूजर आईडी बना हुआ है। अगर नहीं बना हो तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करके आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी बनानी है, यहाँ आवेदक का नाम देना है, यहाँ पे आवेदक की जन्म तिथि देनी है, यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों आपका आवासीय पता दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन मेल आईडी, उसके बाद में सुरक्षा कोड एंटर करके सुरक्षित पे कर देंगे तो आपका यूजर आईडी बन जाएगा। यूजर आईडी बनने के बाद में दोस्तों होम पे आ जाना है आपको दोबारा से। फिर यहाँ पे आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना यूजर आईडी डालना है जो भी आपने बनाया हुआ है, मेरा पहले से ही बना हुआ है तो आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में ये कैप्चा कोड, ये सुरक्षा कोड में यहाँ पे एंटर करेंगे। ये सुरक्षा कोड एंटर करने के लिए दोस्तों जैसा जो लेटर है कैप्स में है तो कैप्स में ही रखना है, स्मॉल में तो स्मॉल में। नाउ सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा के बॉक्स में आप देखेंगे तो यहाँ से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए हिंदी में भी आवेदन कर सकते हैं एंड अंग्रेजी में भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आएंगे तो आय प्रमाण पत्र के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों करना कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा ही है प्रोसेस। इसको एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है, फिल करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, आपका जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसके पास में जाता है, वहाँ से अप्रूव होके आपको डिजिटल साइन करके मिल जाता है। तो जिससे क्या होता है, आपको तहसील विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं आज़ादी प्रमाण पत्र, हिंदी या अंग्रेजी जैसा भी आप जिस लैंग्वेज में सुविधा रहती है उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में सेलेक्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में आएंगी, आप इसको हिंदी में भर सकते हैं। और अगर आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अंग्रेजी के लिए, तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, सेवा का प्रकार जाति प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र, यहाँ पे आपको ग्रामीण या नगरी है, जहाँ से आप शहर से बिलोंग करते हैं तो नगरी एंड गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रार्थी का नाम डालेंगे जिसका आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसके बाद नीचे उसका पिता पति या संरक्षक जो भी है उसका नाम डालेंगे, नीचे माता का नाम आएगा, उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता आ जाएगा, मकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम, पोस्ट आदि जो भी होता है वो यहाँ पे आपको फिल करना होता है। यहाँ पे मकान नंबर आ जाएगा, मोहल्ला पोस्ट आ जाएगा, यहाँ पे जनपद सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से तहसील
यहाँ से ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद में ये दोनों पता अगर आपका कोरेस्पॉन्डेंट दोनों सेम ही है तो उपरोक्त ही रहने देना है। उसके बाद में प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पे कैसा चाहिए, इंग्लिश में है तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ से कास्ट सेलेक्ट करना है, पिछड़ा अनुसूचित या अनुसूचित जनजात। उसके बाद में यहाँ पे उपजाति का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको उपजाति के आ जाएगा। जैसे कोई भी सेलेक्ट करते हैं अनुसूचित जाति में, जैसे इनमें जितनी भी कास्ट आएंगी वो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, नीचे आएंगे, क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर हाँ तो यहाँ पे उसका नंबर डालना होगा कास्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद आपने आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे नहीं, अभी नहीं किया है, अप्लाई कर रहे हैं, करने के बाद होगा। यहाँ पे आपका आधार संख्या पड़ेगी और उसके बाद में संलग्न अटैचमेंट यहाँ पे आपको डालने हैं। इसके लिए एक आपको फोटो अपलोड करनी होगी, उसके बाद एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होगा, उसके बाद यह पार्षद वार्ड या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र जो प्रदत्त करते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद अगर राशन कार्ड है तो उसकी छाया प्रति लगानी होगी। अन्य में आपका आ जाएगा जैसे आधार कार्ड डालना है आपको या कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो आप यहाँ से अन्य पे सिलेक्ट करके उसका नाम डाल के अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे, जो इनका साइज होगा 50 KB से 100 KB के बीच ही होना चाहिए, उसके ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। ये चारों चीज़ें दोस्तों अपलोड करने के बाद में आपको दर्ज करें पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों दर्ज करें पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और एक आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस नंबर के जरिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट का आगे ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट के लिए दोस्तों आप UPI से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे तो जिसके आधार पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मात्र 15 रुपये का पेमेंट करना होता है, उसके आधार पे आपका ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर ये इसको हफ्ता 10 दिन का टाइम लगता है, आपके जो भी आपकी तहसील पड़ती है वहाँ का जो भी SDM साहब है उनके अंतर्गत जाएगा, वो जैसे अप्रूव करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका आ जाएगा निरस्त आवेदन कितना हुआ है, अगर आपने कोई अप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपका आवेदन नंबर लेके आप इसको चेक कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति। आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सर्च पे करेंगे, स्टेटस आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। सेम प्रोसेस दोस्तों है आपका आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए, कई सारे ऑप्शंस आपको ई साथी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।